दिन बढ़िबा सह घारुछि ओमिक्रॉन टेंशन देशरु देशकु डेउछि नुआ भारियंट 99टी देशरे प्रवेश करि सारिलाणि नुआ भारियंट ओमिक्रॉन चिंता देउछन्ति रिस्क राष्ट्र गोटिए दिन रे यूकेरु चिन्हट होइछन्ति 10,000 रु अधिक कोविड आक्रांत जहाँ पर मेजर इनसीडेंट घोषणा कर सारिलाणि लंडन स्थिति नियंत्रण लागि नेदरलैंड रे आज घोषणा होइछि क्रिसमस लॉकडाउन बाहर राष्ट्र सहित भारत रे भी दिनकु दिन बढ़ुछि आक्रांतों संख्या वर्तमान सुधा 143 जन ओमिक्रांत आक्रांत चिन्हट हो सारिलेणि अन्यपटे एम्स कम्युनिटी मेडिसिन विभाग प्रोफेसर कहिछन्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा ठारु अधिक संक्रामक होइथिले भी डेल्टा भली मारात्मक नुहे संक्रमण संख्या अधिक थिबारु आक्रांत संख्या अधिक हेबार आशंका करुछन्ति से पांच गुना तक ज्यादा लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग इससे भी ज्यादा कह रहे हैं कि ज्यादा इन्फेक्शियस है तो वो चीज जरूर ओमिक्रॉन के साथ देखी गई है कि फैल बहुत तेजी से रहा तो इसका मतलब अगर आएगा तो बहुत तेजी के साथ फैलेगा लेकिन अभी तक के जो भी हमारे पास प्रमाण है उससे ये लग रहा है कि जो बीमारी हो रही है जो उससे सिम्टम्स आ रहे हैं वो हल्के हैं वो डेल्टा के मुकाबले काफी हल्के हैं मृत्यु इसमें काफी कम है और अच्छी बात यह कि भारत में आधे से ज्यादा लोग इसमें वैक्सीन पा चुके हैं या उनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है तो देखा जाए तो उतनी तेजी से या उतनी सीवियरिटी के साथ उतनी जैसी स्थिति अप्रैल मई बनी थी मुझे नहीं लगता कि वो स्थिति दोबारा बनेगी हाँ इन्फेक्शन जरूर लोगों में हो सकता है तबे आसंता वर्ष कोविड रो तृतीय लहर आसिबो एवं फेब्रुवारी रे एहा पीक रे पहुंचिबो बोली आशंका करिछंती नेशनल कोविड 19 सुपर मॉडल कमिटी सही परी ओडिसा रे मध्य ओमिक्रॉन को दृष्टि रे रखी अनेक सतर्कता पदक्षेप निया जाउछि ब्यूरो रिपोर्ट ओडिसा रिपोर्टर ¶¶